कहते हैं लड़की लाइफ में आ जाए तो लाइफ ख़राब हो जाती है। मेरे साथ पर्सनली इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था एंड मैं कई मायनों में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा था। आप लोगों का मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। अब लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं, ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है? क्या इससे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी अचीवमेंट आपको मिल जाती है जिससे आपकी लाइफ सुधर जाए? क्या आपको ऐसी नॉलेज मिलती है कि हाँ आप अपनी लाइफ में पैसा कमा पाओ? द आंसर इज नो। बट एक लड़की की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट करती है, जैसे कि आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विल पावर। पर्सनली मुझे स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर माइंडसेट वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी तरफ फटाक से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लड़कियों को 5 ऐसे तरीकों से अट्रैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपको एज अ वर्दी पार्टनर देखे एंड आपके साथ लाइफ लॉन्ग खुश रहने का मोटिव उसके अंदर हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग हंसते कितना हो। हाँ, हंसते कितना हो यार, स्माइल किया करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में वो है स्माइल। आजकल लोगों के शक्लों से स्माइल गायब हो गई है एंड सबसे पहली चीज़ ही यही है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपकी स्माइल। अब अक्षय कुमार को तो जानते ही होंगे सारे के सारे, ऑब्वियसली ही इज़ एन एक्टर एंड कितने टाइम से इंडस्ट्री में है वो। उस बंदे को एक बार आप स्माइल करते हुए, हंसते हुए देखा करो, मतलब उस बंदे को देखकर एक बंदे का दिल खुश हो जाता है जो भी उसको देख रहा होता है। पता चलता है कि हाँ यार, ये बेखौफ बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में खुश है, जो चाह रहा है वो कर रहा है और मज़े से काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी का। एंड वही स्माइल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के चेहरों पर भी आए। अब एक काम करना, अगर आप स्माइल नहीं करते हो ज़्यादा, उठो, मिरर के सामने जाओ और दो चीज़ें करना। सबसे पहली, अपनी सबसे गंदी शक्ल जो आपको लगती है वो मिरर में बनाना, और दूसरा एक बार स्माइल कर देना भाई के कहने पे। और दोनों को कंपेयर करके सोचना कि अगर मुझे कोई ऐसे देखे, या अपने आप को फॉर दैट मैटर अगर मैं ऐसे देखूं, मैं अपने आप को कैसे पसंद कर पाऊंगा? क्या वो स्माइल के साथ होगा, क्या वो बिना स्माइल के साथ होगा? अब जो भी आंसर होगा उस तरीके से आप लड़की को अट्रैक्ट कर पाओगे विदाउट एनी डाउट्स। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्किन। ना कलर नहीं, टाइप नहीं, स्किन हेल्थ। दोस्त मानो या ना मानो, लड़की अपनी स्किन केयर से पहले आपकी स्किन ज़रूर देखेगी। बैठे बैठे कमेंट्स में इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं कह रहा हूँ पिंपल्स होना, डार्क सर्कल होना गलत है। केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। लड़की भागेगी नहीं अगर आपके पिंपल्स या डार्क सर्कल्स, लेकिन अगर आप केयर नहीं करते हो, अब फॉर एग्जाम्पल आप धूप में जा रहे हो बिना सनस्क्रीन लगाए, भाई लड़की आपके ऊपर रिलेशनशिप का ट्रस्ट कैसे डाल पाएगी? वो तो यही सोचेगी ना, ये बंदा अपनी खुद की केयर नहीं कर सकता, ये मेरी केयर क्या करेगा। अब आपको बहुत बार बता चुके हैं कि सनस्क्रीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली सनस्क्रीन जो वाओ की तरफ से है, इसको जरूर ट्राई करना विद SPF 55। हमने पहले भी इसको कवर किया लेकिन वो स्प्रे फॉर्म में थी। ये वाली सनस्क्रीन पर्टिकुलरली UVA एंड UVB रेस से आपको बचाएगी, और इसकी मैट फिनिश है जो कि आपको ऐसा स्टिकी और ऑयली फील नहीं करवाएगी थ्रू आउट द डे। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सारी स्किन टाइप के लिए है, आप किसी भी स्किन टाइप से बिलोंग करते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये एक शील्ड की तरह काम करेगी, तो जो सन है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा एंड आपकी स्किन हेल्थ भी बची रहेगी। साथ ही साथ जो लड़की है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी कि हाँ बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अगर रिलेशनशिप में मैं इसके साथ आती हूँ, इसको मैं अपना हाथ थमाती हूँ, तो ये आगे तक लेके जाएगा, ना कि ही इज़ अ फक बॉय। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो वाओ की SPF 55 सनस्क्रीन। क्या तो कॉल सेंटर में काम करती है? अब मुझे देख, मैं कितना बड़ा बिजनेस संभालता हूँ यार, क्या बंदी है यार तू। भाई माना तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन तुम एक बेसिक चीज़ जो है ना अपनी लाइफ में उसको खो रहे हो, वो है जेस्चर। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे खुश नहीं होंगे इस चीज़ की वजह से। एक जेंटलमैन की डेफिनेशन होती है कि वो अपनी ग्रीड से पहले, अपनी ईगो से पहले बाकी लोगों को रखता है, बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड्स एंड बी इट अ गर्ल। तो अगर आप फिर भी पैसा दिखा के, महंगी बातें करके सस्ता दिखना चाहते हो ना, गो फॉर इट। आपकी शादी लड़की से नहीं भैया, गोल्ड डिगर से होने वाली है। अब जब भी टाइटल में लड़की आती है इस चैनल पर या थंबनेल में आती है, तो कमेंट्स इस तरीके से आते हैं कि भैया हम तो गोल्ड डिगर के पीछे भागेंगे, जब हमारे पास पैसा है लड़की अपने आप आ जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो, उन लोगों की थिंकिंग को मैं चेंज करने यहाँ पर नहीं बैठा, वो छोटी सोच है, वो छोटी ही रहेगी हमेशा। लेकिन आपको क्या लेना है इस वीडियो से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेस्चर इज रियली इंपॉर्टेंट, अच्छी मैनर्स होना ज़रूरी है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, ना कि सिर्फ एक नोट छापने की मशीन। इसको ध्यान रखना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना और चेंज देखना। छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हो, अगर आप एक रूम में जा रहे हो, पहले दरवाज़ा खोला, लड़की को जाने दिया, फिर आपने पीछे से एंट्री ली। अगर आप डेट पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल, यू हैव टू पुल द चेयर टू शो द जेस्चर, दिस इज़ हाउ यू बिकम अ जेंटलमैन। ये छोटी छोटी चीज़ें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं एंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है फॉर दैट मैटर। ट्राई दिस एंड लेट मी नो कितना ज़्यादा वर्क किया। एंड ऐसा सिर्फ एक्ट मत करना, इसको एक्चुअली में तो अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना, परमानेंटली।
एंड लाइफ में रखने के साथ मुझे एक चीज़ याद आई कि यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 10,000 का मिनिमम टारगेट रखेंगे, 10,000 लाइक्स मिनिमम चाहिए इस वीडियो में। मेहनत जारी है, फिर भी आपका सपोर्ट हमें थोड़ा सा चाहिए ताकि ये वीडियो पुश हो। कॉमेंट कर देना ताकि इस वीडियो पर हम लोग आगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। अब आप लोगों को वो एक्स की एड्स याद हैं, डीओ लगाया, लड़की खा मखा के चिपक रही हैं, एंड हाँ एक बंदे ने ऐसा ट्राई किया था और उसके साथ लड़की नहीं चिपकी, तो उसने एक्स के ऊपर बहुत मोटा फाइन डाल दिया था। उसको देना पड़ा था एक्स की कंपनी को, भैया वो सही बात थी उसकी, क्या तुमने एड्स में ये दिखाया कि लड़की चिपक रही है, यहाँ पर मेरे पास एक लड़की नहीं चिपकी, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक्स को देना पड़ा था फाइन, वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना उस एड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात जायज़ है। सुन लो पूरा पहले, फिर बोल लेना। अब जैसे ही हम प्यूबर्टी हिट करते हैं ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं यार बॉडी में, हार्मोनल हो गए या कोई भी हो गए, सब कुछ जो भी होता है वो चेंज हो जाता है एक तरह से, मतलब दुनिया पलट जाती है हमारी एक तरह से। और वहीं पर आता है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपकी ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे ही आप किसी लड़की की स्मेल करते हो, आपको अट्रैक्शन अपने आप से होती है, ये साइंटिफिक है, और लड़की को वाइस वर्सा सेम होती है। आप वहीं पर अगर आप बैड स्मेल करोगे तो सोच लो। वियर अ नाइस परफ्यूम अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, ये ज़रूरी इसलिए है कि आप जहाँ भी जा रहे हो उसके हिसाब से आपके पास एक परफ्यूम होना चाहिए। एंड हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि बेस्ट डेट परफ्यूम्स मेरे हिसाब से कौन से होने वाले, कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, कमेंट्स बहुत सारे आए, तो पक्का एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा इसी चैनल पे। फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास खुद इतने सारे परफ्यूम्स इसीलिए हैं क्योंकि वो एक तरह से मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं उनको पहनता हूँ या उनको वेयर कर रहा हूँ डेली वेयर में, तो मैं एक तरह से पूरा कंप्लीट हो रहा हूँ, प्लस मुझे मज़ा आ रहा है करके। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोथिंग का शौक हो, फॉर एग्जाम्पल आपको शूज़ का शौक हो, लेकिन फ्रेग्रेंस का शौक भी अगर थोड़ा थोड़ा पाल लोगे ना, अपनी 4-5 फ्रेग्रेंसेस जो आपके हिसाब से सिग्नेचर होने वाली है उनको हमेशा अपने पास रखोगे, लाइफ विल बी रियली डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लड़कियों को फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेयर अ नाइस परफ्यूम एंड कॉमेंट करके बताओ अगर आप देखना चाहते हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मैंने लाइफ एग्जाम्पल देखा है, ये वाला मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स से सुना है। अब आप लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ जाओ, हमेशा आपके ऊपर एक इंसान होगा और आपके नीचे एक इंसान होगा। लड़कियां हमेशा ये नोटिस करती हैं कि आपके नीचे वाले इंसान को आप कैसे ट्रीट करते हो। और सीरियसली अगर मेरी बात मानो ना, तो नीचे वाले इंसान को अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो उस ऊपर वाले इंसान से भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। वाह क्या बात बोली है। बट यार लड़कियां ये बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेट पे गए हो, आप वेटर से किस तरीके से बात कर रहे हो, ओए ओए रोटी लगा दे, नान लगा दे, इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो वो भी वो नोटिस कर रही होगी, विच इज़ अ रियली बैड इंप्रेशन। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे इंप्रेशन छोड़ रहे हो, इससे बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। अगर आप प्यार से बात कर रहे हो एंड यू आर टिपिंग द वेटर एज वेल, यू आर द मैन। और ये सारी पांचों जो पॉइंट्स बताए हैं मैंने, लड़कियों के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए भी है, खुद की इंप्रूवमेंट करने के लिए भी है। तो पांच में से आप कौन सा पॉइंट मिस कर रहे थे, मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप मैंने कुछ एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करी हो इन पांच पॉइंट्स से। ये मेरी थिंकिंग है, मेरी फिलोसफी है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूं इसको आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करके इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ो एंड सक्सेसफुल बनो। आप लोगों से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, अर्बन गबरू आउट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। समझा।